स्वागत है आपका इंडिया सर्च करें चैनल पर। शुभ लाभ आपके जीवन में बने रहें। आज की हमारी धार्मिक जानकारी में बात करेंगे कि कैसे करें हनुमान चालीसा का पाठ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग हनुमान चालीसा को यूं ही कर लेते हैं, लेकिन जो साधक विशेषतया हनुमान जी को बहुत अधिक मानने वाले जो व्यक्ति हैं, वो अगर किसी विशेष विधि से हनुमान जी का पूजन करना चाहते हैं, जो विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने आगे एक तरीका बताया है जिसमें किस प्रकार से उनका ऑथेंटिक ये विधि है पूजा पाठ करने की, हनुमान चालीसा को किस प्रकार से हम करें। उनका मैंने एक मंत्र बताया है जो हनुमान चालीसा से पहले बोला जाए तो हनुमान चालीसा के पाठ का फल हजारों लाखों गुना हो करके आपको मिलता है, और ये जो आपकी मनोकामना है सीधा हनुमान जी तक पहुंचती है। आप ये देखिएगा कि मैंने उसमें विधि में पूरा मंत्र पढ़ के आपको बताया है, और हमने इसमें क्या क्या सामग्री लेनी है ये भी मैंने आपको बताया है। इस विधि से हनुमान चालीसा करके देखें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। श्री हनुमान जी की नित्य पूजा में साधक को चाहिए कि शुद्ध वस्त्र, यथा संभव हो तो लाल वस्त्र पहन करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। साधना में सहायक श्री हनुमान जी की मूर्ति, चित्र अथवा तांबे या भोजपत्र पर अंकित यंत्र सामने रखें। पूजन की सामग्री में लाल पुष्प, अक्षत यानी चावल और सिंदूर का प्रयोग होता है। हनुमान जी के प्रसाद में बूंदी, भुने हुए चने, चिरौंजी दाना तथा नारियल चढ़ता है। साधक हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अग्रलिखित मंत्र से श्री हनुमान जी का ध्यान करें। मंत्र है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगणम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बात्माज वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम परिपद्ये। इसके उपरांत पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करके चालीसा का पाठ करें। पाठ समाप्त करने के बाद ओम हनु 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 हनुमते नमः इस मंत्र का चंदन आदि की माला से 108 बार जाप करें, जो विशेष फलदायी है। शुभ लाभ आपके जीवन में बने रहें। धन्यवाद मित्रों, देखने के लिए धन्यवाद।